जीवनदायिनी महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में राजिम कुंभ कल्प 2024 का गंगा आरती के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर महामंडलेश्वर कृष्णानंद और असंग साहिब सहित संत महात्माओं ने प्रदेशवासियों को आशीर्वाद दिया। अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर पूजना अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, साथ ही गंगा आरती में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आगामी 15 दिनों तक संत समागम सहित विभिन्न आयोजन चलता रहेगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुंभ मेला का समापन होगा। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। कि अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान होने के बाद भारत की धरती पर प्रतिवर्ष होने वाला राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हो रही है, इसके लिए सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से 5 साल की प्रतीक्षा के बाद पुराने वैभव के साथ फिर से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हुई है। आज शुरुआत हुई है, 3 तारीख से संत समागम होगा और ये संत समागम जो है छत्तीसगढ़ में अमृत वर्षा करेगा और छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदार बनेगा और राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ को पूरी देश दुनिया में एक पहचान दिलाएगा।